राजनेता बनने के लिए या नेता बनने के लिए या लीडर बनने के लिए पैसा होना जरूरी होता है या मेहनत जरूरी नहीं, होती है? पैसा होना तो जरूरी नहीं। देखिए, पैसा भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, पैसे की कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। जी पैसा यदि किसी के पास है तो उसका मूवमेंट बढ़ सकता है, साधन है जी तो उसके माध्यम से वो और भी काम कर सकता है। ऐसा ही जरूरी होता तो मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बनते। हाय, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। आज हम जिनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं, जिनके बैक स्टोरी जानने वाले हैं, वो 3 बार लगातार हापुड़ से लोगों का प्यार उन्हें भर भर के मिला है, मेरठ से 3 बार लगातार सांसद हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगा अपने शो में श्री राजेंद्र अग्रवाल जी का। सर, मोस्ट वेलकम टू आवर शो लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। अब सर से हम बात करेंगे, सर की पर्सनल लाइफ की, सर का बैक स्टोरी, सर ने कहाँ से अपना राजनीतिक जीवन स्टार्ट किया। वीडियो को स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वी रियली नीड योर सपोर्ट, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सर, आज मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस में आपका, थैंक और यू। आपका धन्यवाद करता हूँ कि हमारे चैनल को और इस देश के युवाओं को जो राजनीति में अपनी रुचि बना रहे हैं उनको एक प्रेरित शिक्षा मिलेगी आपके जीवन की राजनीतिक सफ़र से। तो सर, मैं आपका धन्यवाद करूंगा आपके आपका टाइम भी के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद है, आप यहाँ आए, आपका स्वागत भी है। थैंक यू सर। सर, मैं अपना पहला सवाल करूंगा आपसे, आपके राजनीतिक जीवन को, जो युवा देश में आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं राजनीति में, सर उनके जीवन को एक सही राह दिशा राजनीति में जो नहीं मिल पा रही है आजकल युवाओं को, वो आपकी एक जर्नी से कहीं ना कहीं उनको एक स्रोत मिलेगा कि वो आगे बढ़ सके। तो सर, मैं पहला क्वेश्चन करूँगा, सर आपका बचपन कैसा रहा और आपका बैकग्राउंड कैसा था, आपके पिताजी का क्या व्यवसाय था? देखिए, मेरी पृष्ठभूमि तो सामान्य पृष्ठभूमि है ओके और आर्थिक दृष्टि से भी बड़े सामान्य परिवार से मैं आता हूँ, जी और सामाजिक दृष्टि से मेरी पृष्ठभूमि संघ की, आरएसएस की है। जी मैं छोटी उम्र में मेरे परिवार के अंदर भी संघ से लोग जुड़े हुए थे, यानी जी मेरे चाचा जी तो 1948 में जब संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा था जी तो जेल भी गए थे, तो जी मेरा बचपन से ही संघ से जुड़ाव हो गया जी और उसी के अंदर मेरी गतिविधियाँ बढ़ती चली गईं। एक प्रकार से ऐसा भी कह सकते हैं कि सामाजिक कार्य की जो प्रेरणा है मुझे वहीं से प्राप्त हुई, और पढ़ाई करते करते मैं संघ का भी काम करता था जो भी मेरी उस वक्त समय की स्थिति थी, और फिर मैंने एमएससी किया 1970 में, एक साल मैंने कॉलेज में पढ़ाया भी, और फिर इसके बाद मैं 13 वर्ष संघ का पूर्णकालिक, जिसको प्रचारक कहते हैं, जी मैं वैसा रहा। जी तो 1984 में फिर मैं वापस आया। माने ये जो मैं इसको एक साथ जोड़ करके इसलिए कह रहा हूँ जी कि बचपन से लेकर के संघ से जो जुड़ाव हुआ जी वो संघ के प्रचारक के रूप में काम करने के दृष्टि से उसका परिणाम निकला, और 84 तक मैं, 71 से 84 तक 13 वर्ष मैं उसके काम के अंदर लगा रहा। उसके बाद फिर मैं गृहस्थ जीवन में वापस आया और फिर उसी प्रेरणा का आधार, क्योंकि मेरे पास था, तो विभिन्न सामाजिक दायित्व के अंदर मैं सक्रिय रहा। तो मेरी जो पृष्ठभूमि है जी वो मूलतः राजनीतिक नहीं है, जी ये बात अलग है कि मैं 1997 ऑनवर्ड्स जी मैं भाजपा के अंदर आया, फिर जी भाजपा की जिम्मेदारियां मेरे पास रहीं, जी मैंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन मेरी जो पृष्ठभूमि है वो सामाजिक है और वहीं से मुझको राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी काम करने की मेरी प्रेरणा है वो सामाजिक प्रेरणा है। सर, पॉलिटिक्स को लेकर आपका इंटरेस्ट पहली बार कब बना कि हाँ मुझे अब राजनीति में आना चाहिए? नहीं, देखिए, राजनीति प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है, जी और जैसा मैंने कहा कि मैं सामाजिक दृष्टि से तो सक्रिय था ही, विभिन्न जी क्षेत्रों के अंदर था, तो फिर इसके प्रति जिज्ञासा भी होती थी। जी मैं इमरजेंसी के समय जेल में भी गया था, जी पूरे मैं लगभग 21 महीने जेल में रहा, जी तो वहाँ मैंने देखा कि राजनीति का प्रभाव कितना व्यापक है। ये तो आप कह सकते हो कि वहाँ से कुछ मन में ये इच्छा या संस्कार या प्रेरणा वहाँ से आई जी होगी, और उसके बाद 1997 में मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैंने प्रवेश किया, और फिर संगठन के ही मेरे पास जी विभिन्न दायित्व तो रहे, जी और 2009 में मुझे पहली बार पार्टी चुनाव ने चुनाव लड़ने के लिए कहा, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा, और मैं जीता, जी और तब से लगातार 3 बार जीतते हुए मैं जी लोकसभा का सदस्य जी हूँ। सर। सर, बीजेपी के जितने हम बड़े लीडरों से मिलते हैं तो सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल से जुड़े हुए हैं,
तो सर बीजेपी में जुड़ने से पहले आरएसएस में होना कितना जरूरी है, क्या क्या इसका आप हमें बताएं। नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक विचार है, मुझे कहता है कि भी इस देश की जो सांस्कृतिक परंपरा है वो उसके आधार पर ही देश का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि स्वराज्य का वही अर्थ है। यदि आप केवल शासन बदल जाए, अंग्रेज की जगह भारतीय आ जाए, लेकिन वो जो अधिष्ठान है शासन का वो ना बदले, तो उसमें देश में परिवर्तन नहीं आएगा। तो एक विशेष एक विचारधारा है संघ की और उसको लेकर के वो चलता है। और देखा जाए तो 1951 में जो जनसंघ की स्थापना हुई, तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने इसी आधार को लेकर के राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जनसंघ की स्थापना की, तो उसमें भी संघ का के कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा, तो वहाँ से एक प्रेरणा मिलती है। वो विचार ऐसा कह सकते हैं कि सामाजिक दृष्टि से जो अधिष्ठान है वो लगभग एक सा ही है। हालांकि राजनीतिक क्षेत्र की मर्यादाएं, राजनीतिक क्षेत्र का कार्य करने का तरीका, राजनीतिक क्षेत्र के लक्ष्य वो अलग होते हैं, परंतु सामाजिक जो अधिष्ठान है, वैचारिक जो अधिष्ठान है वो समान होने के कारण से ऐसा है कि सामान्यतः संघ से भी जुड़े हुए लोग इसमें आते हैं। लेकिन संघ के अंदर होना अनिवार्य नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो संघ में नहीं गए, भाजपा में जुड़े, क्योंकि विचार तो व्यापक है। विचार से तो ऐसा तो नहीं है कि संघ ने कि उसको पेटेंट कर रखा उस विचार को, कोई बाहर से भी में भी व्यक्ति हो सकता है, तो लोग जुड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रगति में अपने ढंग से वो भी योगदान करते हैं। सर कॉलेज टाइम, जैसे आपने अभी बताया कॉलेज टाइम में सर जब आप राजनीति में आए थे, तो सर कभी कोई प्रोटेस्ट में या सक्रिय राजनीति में कोई आपकी एक्टिव भूमिका रही कॉलेज टाइम के अंदर? नहीं, विद्यार्थी जीवन के समय नहीं रही। देखिए वैसे भी सामान्यतया व्यक्ति जो संघ का काम करता है तो प्रत्यक्ष राजनीतिक क्षेत्र के काम से वो अपने को अलग ही रखता है, क्योंकि संघ ये मानता है कि परिवर्तन केवल सत्ता के माध्यम से नहीं हो सकता। जब तक समाज का विभिन्न स्तरों पर एक उसको जागृत करने का काम नहीं होगा और उसमें जब तक सामान्य जन की भूमिका नहीं होगी, भागीदारी नहीं होगी, तब तक समाज का परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इस विचार के कारण से राजनीतिक क्षेत्र के बाहर रह कर के भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, किए जाने चाहिए, ये एक सोच संघ की रहती है। तो हम लोग भी उसी ढंग से काम में लगे रहते थे। सर MP MLA होने से ज़्यादा मुश्किल संगठन का नेता होना है। सर आपने ये बात आपसे ज़्यादा अच्छे रूप में स्पष्ट कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपने संगठन में भी बहुत अच्छे स्तर पे काम किया है और आज आप MP भी हैं लगातार 3 बार के। तो सर आप बताइए संगठन में काम करना ज़्यादा मुश्किल है या MP MLA बन के काम करना? नहीं, दोनों के अलग अलग क्षेत्र हैं। जी देखिए संगठन के अंदर आप एक समर्पित भाव से काम करते हैं जी, लोगों को जोड़ना, लोगों को जो है लोगों के बीच में पार्टी के विचार को लेकर के जाना, उसके लिए भाग दौड़ करना संगठन का एक प्रारूप है। तो संगठन की एक काम करने की अलग पद्धति है। जब आप जनप्रतिनिधि हो जाते हैं तो आप संगठन के प्रतिनिधि तो हैं ही, क्योंकि आपको जनप्रतिनिधि बनाने में संगठन की भूमिका है। संगठन आपका चयन करता है, आपको प्रत्याशी तो संगठन ही बनाता है। लेकिन उसके बाद आपकी एक और भूमिका विशेष रूप से जुड़ जाती है। एक तरफ तो आप जनता से सीधे आपका इंटरेक्शन बढ़ जाता है, तो जन समस्याओं से आपकी रोज़मर्रा का जो मिलना है वो एक बढ़ जाता है। और यदि मैं कोई जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जा करके जन समस्याओं को न समझे तो अपने दायित्व का निर्वाह भी नहीं कर सकता। और दूसरी ओर ये भी है कि सरकार का वो हिस्सा क्योंकि होता है, चाहे विपक्ष में हो चाहे वो सरकार माने सत्ता का पक्ष में हो, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो सत्ता का से जुड़ जाता है। तो उस नाते उस क्षेत्र में अपने क्षेत्र की या देश की जो समस्या उसके ध्यान में आती है जनसंपर्क के कारण से, उनको फिर संसद के अंदर प्रतिनिधि के नाते उन विषयों को उठाना, उनका हल ढूंढना, उसके अंदर अपनी भूमिका निभाना, ये एक चीज़ एक जनप्रतिनिधि के नाते अलग हो जाती है। तो दोनों कामों की अलग अलग विशेषता है। और जहाँ तक देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं सांसद हूँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के परिश्रम के कारण से ही जो संगठन परिश्रम करता है उसके कारण से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। सर आप मेरठ हापुर से 3 बार लगातार सांसद रहे, तो सर क्या आपके नाम का जादू है कि कोई टिक नहीं पाता? चुनावी समीकरण क्या रहते हैं आपके मेरठ, मैं जानना चाहूँगा। नहीं देखिए मैं 2-3 बातें मुझको लगती हैं। पहला तो यही है कि हमारा जो नेतृत्व है वो अद्भुत है। वो जी और अद्भुत का अर्थ है, मैं कोई शब्द कह दूँ केवल उससे बात नहीं होती है। अद्भुत इस अर्थ में है
कि मोदी जी हैं या उससे पहले भी हमारा जो नेतृत्व रहा है जी, वो जो कहता है वो करता है, पूरी प्राणपण से अपने बात को क्रियान्वित करने की कोशिश करता है, तो उसकी एक अपनी साख है, तो उसका बड़ा भारी एक चमत्कारिक परिणाम होता है। अब मोदी जी हैं तो मोदी जी, मैं समझता हूँ कि शायद मेरा भी सामाजिक राजनीतिक जीवन काफ़ी हो गया है, मैंने भी थोड़ा सा मैं अनुभव मेरा है, तो उस आधार पर कहता हूँ कि मोदी जी संभवतया पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आज उनको 8 साल से अधिक हो गए केंद्र के अंदर शासन करते हुए, लंबा टाइम उनकी, हाँ, लेकिन उनकी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। उनका यश जो है, उनकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ती चली जा रही है। आज दुनिया के वो सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति हैं, केवल देश के ही नहीं है। तो एक तो ये नेतृत्व, दूसरा क्या है कि जो सरकार के काम होते हैं वो बहुत मदद करते हैं, यानी सरकार के काम तो हम जाके कह सकते हैं, देखो हमने ये काम किया, अच्छा काम किया है। और तीसरी जो मुझे लगती है बात, कि मैं कार्यकर्ता होने के नाते कार्यकर्ता भी एक जुड़ाव मुझसे अनुभव करते हैं। अब खासतौर से जो मेरा पहला चुनाव था 2009 का, तब तो कोई वैसी हवा भी नहीं थी, परंतु कार्यकर्ताओं ने ये सोच करके कि हमारे बीच का एक व्यक्ति प्रत्याशी बनाया गया है, तो उन्होंने प्राणपण से सारा काम किया। तो नेतृत्व है, हमारी सरकार के काम है और हमारा कार्यकर्ता है, उसमें मेरी भी भूमिका इतनी है कि हाँ, मेरी कोई निगेटिविटी ना हो, मेरे विषय में कोई जादू है मेरठ में, नकारात्मक बात ना हो जो कार्यकर्ताओं को परेशान करे, उतनी मैं भी कोशिश करता हूँ, ये सब चीज़ जुड़ जाती हैं। सर, परेशानी जो आपके सामने चुनाव लड़ रहा होता है ना, उसके लिए बढ़ जाती है, क्योंकि 3 बार से एक ही सीट से लगातार होना अपने आप में एक बड़ा वो है। थोड़ा करते हैं लोग, बाकी इस बार का चुनाव तो कठिन ही था 2019 का, लेकिन तो भी जनता का आशीर्वाद रहता है, कार्यकर्ताओं की मेहनत रहती है और नेतृत्व का जो नाम है उसके कारण से जनता आशीर्वाद देती है। सर, 2009 में आपने अपना पहला चुनाव लड़ा, तो सर पहला चुनाव एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाता है सबके लिए, तो सर आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितना मुश्किल रहा और कितना स्पेशल रहा कि भाई मेरा पहला चुनाव है, तो कुछ एक्सपीरियंस लाइफ का बनाया गया जी। तो उससे पहले मैंने कोई चुनाव लड़ा नहीं था। अच्छा। और मैं तो बस एकदम जिसे कहते हैं कि मैदान में कूद पड़ा मैं जी। और जैसा मैंने आपको अभी कहा भी कि लोगों को भी लगा कि भी अपने बीच का एक व्यक्ति, उसको प्रत्याशी बनाया गया है, हम लोग प्राणपण से जुड़े, तो अन्यथा कोई उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कोई हवा नहीं थी जी। उत्तर प्रदेश केवल 10 सांसद जीत करके तब आए थे जी। परंतु मैंने, हम लोग सब जूझ पड़े, कूद गए हम, कोई राजनीतिक अर्थों में कोई समीकरण भी नहीं थे जी। तो भी कार्यकर्ताओं ने अपने कंधों पर चुनाव लेकर के और उसको जिताया। तो मुझको तो केवल इतना ही ध्यान है, मैं कई बार कहा भी करता था, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले जैसे मैं एक ऑटोमेटिक मशीन के अंदर कोई घुसता है और वो मशीन घूमती रहती है और बाद में निकल करके एंड प्रोडक्ट निकल जाता है, तो मन का व्हेन आई एंटर्ड दैट मशीन आई वाज ए कार्यकर्ता, एंड व्हेन आई केम आउट ऑफ दैट मशीन आई बिकेम ए कार्यकर्ता प्लस भारतीय प्लस MP। तो ये ऐसा हुआ, मुझे पता नहीं क्या क्या होता रहा, हम दौड़ते रहे, भागते रहे, कार्यकर्ता लगे रहे, और चुनाव समाप्त हुआ, काउंटिंग हुई, परिणाम आया, तो हार्डवर्क्स पे ऑफ दैट्स। सर, नरेंद्र मोदी जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई और आपके लिए कितनी खास रही और स्पेशल रही? नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी जी संगठन का काम करते थे जी, दिल्ली में उनका केंद्र था, बहुत समय तक वो यहाँ इधर के हरियाणा के हिमाचल के प्रभारी भी रहे, तो एक दो बार उनसे यहाँ मुलाकात होती थी। अच्छा। परंतु तब हमको ये भी कोई ऐसी संभावना नहीं लगती थी कि मोदी जी आगे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो एक अच्छे प्रतिभाशाली कार्यकर्ता के रूप में हमको देखते थे और बड़े स्नेह से वो बात करते थे, तो ऐसी कोई उल्लेखनीय बात उस वक्त तो ध्यान में ही नहीं आती थी, भाई वो अपना काम करते रहते थे उधर, हमारे क्षेत्र के वो प्रभारी नहीं थे, तो मुलाकात होती थी। बाद में फिर उनको गुजरात भेज दिया, गुजरात को मुख्यमंत्री बने, फिर गुजरात के अंदर उन्होंने जो किया वो आज इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, सब लोग जानते हैं। और आज तो हम ये देखते हैं कि 8 साल का हमने कार्यकाल उनका केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में देखा है, कि एक दिन का आराम भी उन्होंने नहीं लिया। रिकॉर्ड ये बताता है कि गुजरात के अंदर भी जब वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक दिन का आराम वहाँ भी नहीं लिया, वो यानी ऐसे कठोर परिश्रमी, ऐसे विजनरी, ऐसे संकल्प के धनी, यानी ऐसे अद्भुत वो मुख्यमंत्री थे और वैसे अद्भुत वो प्रधानमंत्री थे। तो प्रारंभ में परिचय में ऐसा कुछ ध्यान में नहीं आता था, लगता था हाँ एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन बाद में जो उन्होंने चमत्कार किया है वो तो सारा देश और सारी दुनिया विदेशों तक वो है। हाँ सर, आप एक तो होती है पार्टी की और हम किसी दल से जुड़ते हैं उसकी एक विचारधारा होती है, सर आपके जीवन में आपकी अपनी क्या आइडियोलॉजी है पॉलिटिक्स को लेकर, अपनी क्या विचारधारा है कि हाँ सही मायनों में अगर हम डिफाइन करें पॉलिटिक्स को
तो देट शुड बी अ परफेक्ट डेफिनेशन फॉर द पॉलिटिक्स। देखिए तो क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि सामाजिक है जी, और सामाजिक होने का अर्थ ही होता है जी कि समाज के अंदर कुछ हम सेवा का काम कुछ कर सकें, कुछ कुछ अपना, माने यदि हम इस ढंग से भी कहें कि हम लेते लेते रहते हैं समाज से कुछ, उसको समाज की हम कुछ के काम भी हम आए, ये संगम कुछ सिखाता भी है। तो उस कारण से हमारा भी यही विचार केवल बनता है कि हम कितना कुछ समाज के लिए कर पाते हैं, और भाजपा के अंदर की भी यही विचार है। मैंने जो कहा कि विचार क्यों अलग से होने की ज़रूरत भी नहीं है, हम उसी विचार के प्रति समर्पित होकर के स्वयं को उसके अनुरूप ढाल सकें, यही बड़ी भारी उपलब्धि होती है। अलग से कोई विचार की जरूरत भी नहीं है, वो अपना पूर्ण एक विचार है जिसमें चल रहे हैं वही राह। हाँ, नेचुरली। और देखिए तभी व्यक्ति चल पाता है, ठीक से तभी चल पाता है जब उस विचार के साथ उसकी सहमति हो, और कुछ मात्रा में ये भी कहो उसके विचार के साथ उसकी एक रूपता हो। बिल्कुल सही सर। अगर हम मानते हैं अगर आज आप पॉलिटिशियन नहीं होते तो पेशे से सर आप क्या होते, बिजनेसमैन, या आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट बचपन में रहा हो? नहीं, मेरा अध्यापन का के अंदर मेरी रुचि थी जी, और बाद में फिर मैं संघ का प्रचार हो गया, बाद में लौट करके आया जी। तो मेरे पारिवारिक जो व्यवसाय था वो जी, मैं उसके अंदर लग गया जी। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि यदि मैं राजनीतिक क्षेत्र में ना आता जी, तो संघ के विभिन्न दायित्वों पर काम करता हुआ, सामाजिक क्षेत्र के अंदर काम करता हुआ अपना व्यापार भी करता रहता, शायद यही होता, समाज सेवा की रहता। समाज सेवा वो तो मैं जरूर करता, वो तो मैंने बताया कि वो तो मेरी मुझको जो संस्कार मिला, मैं 7-8 घंटे बराबर समाज का किसी न किसी संगठन के साथ जुड़ करके काम करने की मुझे आदत बनी हुई थी, वो मैं अब भी करता। सर आपका कभी किसी स्पोर्ट्स में या पर्सनल कोई हॉबी रही है आपकी सर, जो आज भी आप फॉलो करते हैं? नहीं, क्रिकेट में मेरी बहुत रुचि है, मैं थोड़ा बहुत खेला भी हूँ, ज़्यादा तो नहीं खेलता था जी, समय नहीं मिलता था उतना जी। टेनिस में मेरी बहुत रुचि है, और आज भी मैं इस पर निगाह रखता हूँ कहाँ क्या हो रहा है। बाकी तो स्पोर्ट्स ऐसी, स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ ऐसी हैं जो हर एक को मोहती हैं, आकर्षित करती हैं, परंतु ये जो दो स्पोर्ट्स हैं खास तौर से इसमें मेरी रुचि प्रारंभ से रही है, आज भी है। सर आपने काफ़ी यंग डेज से काम किया है, और आपने उस जनरेशन में भी देखा है लोगों को काम करते हुए, जो आज जनरेशन है पॉलिटिक्स में जो काम कर रहे हैं, सोशल वर्कर की तरीके से कर रहे हैं, जो आ रहे हैं, तो सर उसमें उस टाइम में और आज के टाइम में कुछ राजनीति में फ़र्क देखने को मिलता है कि हाँ पहले लोग खुल के करते थे, आज थोड़े से कहीं लैक कर रहे हैं, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए दौर बदलते हैं जी। अब जैसे यदि मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं जी, एक ज़माना था जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक मुश्किल से जीतते थे जी, जी। हम लोग लड़ते थे, संघर्ष करते थे, ये वक्त ऐसा भी आया कि हमारे 2 ही सांसद रह गए। तो उस वक्त में मिशन के प्रति समर्पित लोग जो है केवल मिशन को ध्यान में रख करके काम करते थे, उनके ध्यान में ये बात भी नहीं आती थी कि सत्ता हमको मिलेगी, क्योंकि उनको लगता नहीं था कि सत्ता मिलेगी हमको, लेकिन उनका जो कमिटमेंट था वो अपने विचार के प्रति इतना ज़बरदस्त था कि वो उसके बिना भी काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे पार्टी का व्याप बढ़ा, हम लोग सत्ता में भी आए, केंद्र की सत्ता में भी आए, और आज हम दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं। तो जब पार्टी का विस्तार होता है तो उसके फिर आयाम बदलते हैं, उसमें कुछ और भी चीज़ें जुड़ती हैं जी। तो मैं समझता हूँ इतना ही फ़र्क है। और बाकी तो फिर मैं ये बात कहूँगा कि मोदी जी ने देश की राजनीति की परिभाषा बदली है जी। जैसे मोदी जी के आने से पहले एक आध अपवाद छोड़ दीजिए, अटल जी के समय का अपवाद छोड़ दीजिए, लोग यही समझते थे कि राजनीति के अंदर हम MLA बन गए, MP बन गए, कुछ और मुख्यमंत्री मंत्री बन गए, तो बस फिर 7-10 पीढ़ी हमारी तर जाएंगी। ये लोग देखते भी थे, लोग जो सत्ता के माध्यम से अपने घर को भरना, संपत्ति अर्जित करना, यही लोगों का अनुभव था। लेकिन मोदी जी ने जैसा कहा कि भी सत्ता उपभोग की वस्तु नहीं है, सत्ता सेवा की वस्तु है, और मैं प्रधानमंत्री में प्रधान सेवक हूँ मैं, आप भी देखेंगे पिछले 8 साल के अंदर इसी के अनुसार उन्होंने देश की राजनीति को एक परिवर्तित किया है, उसको एक नई दिशा दी है। ये फर्क मैं जरूर देखता हूँ पुराने समय की राजनीति में और इस समय की राजनीति के अंदर। सर काफ़ी लोगों से मिलते हैं, जब मेरा भी काफ़ी लोगों से परिचय होता है, और बहुत लोगों की राय और उनका अपना परसेप्शन सुनने को मिलता है। तो सर मैंने कई बार सुना है जो राजनीति में लोग आ रहे हैं वो कहते हैं कि सर राजनीति में राजनेता बनने के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है, तो सर इन बातों में कितने, क्योंकि आप तो खुद एक संघ में आपने एक काम किया है, नीचे से उठकर ऊपर आए हैं, तो सर आप बता सकते हैं सर राजनेता बनने के लिए या नेता बनने के लिए या लीडर बनने के लिए पैसा होना ज़रूरी होता है या
मेहनत जरूरी नहीं, पैसा होना तो जरूरी नहीं। देखिए पैसा भी एक महत्वपूर्ण चीज है, पैसे की कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। पैसा यदि किसी के पास है तो उसका मूवमेंट बढ़ सकता है, साधन है तो उसके माध्यम से वो और भी काम कर सकता है, सेवा के काम भी कर सकता है, उसमें उसकी पहचान बन सकती है, ये उसकी मदद करते हैं। लेकिन पैसा ही जरूरी होता है तो मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बनते? मोदी तो यानी मैं भी गरीब घर से हूँ, मैंने कहा कि सामान्य पृष्ठभूमि से हूँ, पर मोदी जी तो बहुत ही यानी सामान्य स्थान से आते हैं। कौन सा पैसा उनके पास था? तो परिश्रम, तपस्या, मेहनत, यही चीज़ें आगे बढ़ाती हैं। और इसमें ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जो परसेप्शन आप जो कह रहे हो जी, ये शायद मोदी जी के आने से पहले का परसेप्शन ठीक ही है, क्योंकि तब इसी प्रकार की बातें चलती थी जी। लेकिन जैसा उन्होंने बदला, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर खासतौर से हम देखें, आज मान लो राष्ट्रपति जी बनी है जी, तो क्या पृष्ठभूमि है उनकी? या जो है इससे पहले के राष्ट्रपति थे उनकी क्या पृष्ठभूमि थी? दोनों बिल्कुल छोटे से गांव से, गरीब घर से आए। और आप पदाधिकारियों को भी देखें जो हमारे मंत्री हैं या अन्य हमारे अन्य लोग हैं, तो पैसे का एक सीमित भूमिका है। पैसा ऐसा नहीं है कि पैसा कोई उसका परिणाम नहीं होता है, परंतु मुख्य रूप से व्यक्ति का कितनी परिश्रम है, उसकी ईमानदारी कितनी है, वो कितना जो है जनता के साथ जुड़ा हुआ है, यही उसको आगे बढ़ाती है। और यही उसको यदि प्रचलित भाषा में नेता कहें तो उसको नेता बनाती है। सर अब मैं बढ़ता हूँ अपने आखिरी सवाल की तरफ। सर जो युवा आ रहे हैं, जो नई जनरेशन आ रही है, जो पॉलिटिक्स में रुचि बना रहे हैं लोग, सर आप उनको हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या मैसेज देना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि राजनीति किस रूप से की जानी चाहिए? देखिए राजनीति बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जी, और राजनीति को केवल हम गंदा मान करके उससे स्वयं को उससे दूर रखें ये उचित नहीं है जी। बल्कि राजनीति के अंदर अच्छे लोग आएं, मेहनती लोग आएं, और जो मंत्र मोदी जी ने दिया है मैं उसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ कि राजनीति सेवा के लिए है। ये मन में संकल्प रख करके आएं, अपना जो है समय दें, अपने शरीर को दें, अपने जो है मेहनत करें, लेकिन सेवा के लिए करें, तो आप देखेंगे कि उनको भी संतोष होगा, उनका भी व्यक्तित्व बढ़ेगा और देश का परिवर्तन भी होगा। राजनीति के अंदर भी शुद्धता आएगी। आज जो राजनीति के संबंध में, जनप्रतिनिधि के संबंध में जो राय पुरानी थी वो बदल रही है, उसको बदलने में भी उनकी भूमिका होगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि राजनीति को सेवा का माध्यम मान करके उसके अंदर वो सक्रिय हों। सर धन्यवाद आज हमें अपना समय देने के लिए। हमारा चैनल और हमारी ऑडियंस आपका धन्यवाद करती है। बहुत बहुत आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद।